नरेंद्र मोदी में सत्ता में आने पर राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने का वादा किया है। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा इस किस पर कौन कौन से गुनाह है, जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ, और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो। पहले सबसे पहले विश्लेषण करते हैं उस बयान का जिससे आज दागी नेताओं को पसीना आ रहा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सत्ता की चाबी उन्हें मिल गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वो दागी नेता यूपीए का हो या फिर एनडीए का हो। कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार उसके बाद हत्या, ये काम कौन से काम है, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। आप मुझे बताइए, ऐसे काम करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? ये मां बेटों की बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सपा सरकार बनाई थी? मां बेटियों की हत्या करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? क्या यही काम किया आपने? आप जब वोट करने जाए तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी और तब जाकर के कब्र के निशान पर वोट दबाना। आप जब वोट करने जाए तब उस गुड़िया को याद करना, आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे आपके अगल बगल, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको स्मरण करके जाइए, उस गुड़िया को स्मरण करके जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और गारंटी लीजिए हमारी किसी गुड़िया पर कभी कुछ होगा नहीं। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने हाथरस गैंगरेप पर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। वो रेप पीड़ित तक के परिजनों को ही हिदायत दे रहे हैं और हिदायत देते हुए नजर आए विधायक जी ने कहा कि ऐसी घटनाएं संस्कार से रुक सकती हैं और माता पिता को चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को संस्कारी वातावरण में रहना सिखाएं। एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं, ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। पैसे और पावर दोनों नंगे होकर नाच रहे हैं और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।